अटकलों पर लगा विराम, सपा ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने एक और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पहली सूची में बदायूं से प्रत्याशी घोषित होने के बाद धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को सपा ने टिकट दिया था। वहीं अब धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे और जालौन से नारायण दास अहिरवार को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है। यह सपा उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट है। आपको बता दें कि 2019 की लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को भारी अंतर से हराया था। वहीं 2022 में हुए उपचुनाव में यहां से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, जो मामूली अंतर से हार गए थे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी द्वारा आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर आपकी क्या राय है? निरहुआ और धर्मेंद्र यादव की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी? इस पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।